गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल टूडे इन इंग्लिश लिटरेचर वी विल स्टडी चैप्टर नंबर फाइव द क्रोकोडीन्स लोमड़ी एंड क्रोकोडाइल मींस मगरमच हेयर इन दिक्चर पिक्चर दिख रही है आपको जो ये जो ब्राउन वाला है ये क्या है फॉक्स लोमड़ी एंड ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है क्रोकोडाइल मतलब की मगरमच तो सबने फॉक्स और क्रोकोडाइल को पहचान लिया ओके, लेट्स सी व्हाट वैल्यूज़ वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। हम इससे कौन सी वैल्यूज लर्न करेंगे इस चैप्टर से हम देखते हैं फर्स्ट इज इज इट गुड टू शेयर शेयर करना अच्छी बात है शेयर मीन्स जब हम कोई चीज आपस में बांटते हैं किसी भी किसी के साथ भी हम अपने कलर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं अपनी चॉकलेट अपनी टॉफीज अपने सिबलिंग्स सिबलिंग्स मतलब ब्रदर एंड सिस्टर्स ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ हम उन चीजों को शेयर करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज वट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू लाइक टू शेयर अब आपको कौन कौन सी चीजें शेयर करना अच्छा लगता है आप अपने कलर्स शेयर कर सकते हैं अपनी uh, टॉयज शेयर कर सकते हैं अपने चॉकलेट टफीज पेंसिल्स इरेजर्स ये सब कुछ आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं होम डू यू शेयर विद आप शेयर किसके साथ करते हैं हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसे उस चीज़ की ज़रूरत है ठीक है या फिर जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं हमारे सिबलिंग्स हैं हमारे ब्रदर सिस्टर्स हमारे पेरेंट्स हमारे नेबर्स ठीक है जिसको भी कोई भी चीज की जरूरत है हमें उसके साथ उस चीज को शेयर करना चाहिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लॉन्ग लॉन्ग अगो लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स एंड हिज फेथफुल फ्रेंड द क्रोकोडाइल बहुत समय पहले की बात है एक क्लेवर फॉक्स थी क्लेवर मतलब चालाक और फॉक्स लोमड़ी क्लेवर फॉक्स मतलब एक चालाक लोमड़ी थी एंड हिज फेथफुल फ्रेंड फेथफुल मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं जिसके साथ हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमारी हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं हमारे फेथफुल फ्रेंड्स होते हैं तो उस क्लेवर फॉक्स का एक फेथफुल फ्रेंड था कौन क्रोकोडाइल फूड वॉज ऑफ़न हार्ड टू फाइंड सो वन डे दे टू ग्रो देर ओन फूड तो फूड जो था बहुत मुश्किल से मिलता था हार्ड टू फाइन मतलब बहुत मुश्किल से मिलता था तो एक दिन उन्होंने क्या सोचा उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम अपना जो है वो खुद उगाएंगे. फर्स्ट दे ग्री समाइज सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा क्या उगाएंगे हम सबसे पहले हम राइस उगाएंगे चावल उगाएंगे द क्रोकोडाइल आस्ट राइस अब क्रोकोडाइल पूछता है कि हम राइस को शेयर कैसे करेंगे share means rice को हम कैसे आपस में बाव ऑल दार्टैट आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड एंड आई विल टेक द टॉप पार्ट से फॉक्स तो फॉक्स तो ने क्या कहा जो भी पार्ट ग्राउंड के नीचे उगेगा ग्राउंड मींस जमीन जो भी पार्ट ग्राउंड के अंडर होगा अंडर द ग्राउंड होगा वो तुम ले लेना और जो भी पार्ट ऊपर होगा टॉप पार्ट्स जो भी होंगे जो जमीन के ऊपर वाले पार्ट होंगे वो मैं ले लूंगी वेन दे पुल्ड अप द प्लांट द क्रोकोडाइल सॉ दैट ओनली रूट्स ग्रीव अंडर द ग्राउंड रूट्स मीन्स जड़े तो जब उन्होंने वो प्लांट निकाला तो उन्होंने क्या देखा क्रोकोडाइल ने कि जमीन के नीचे सिर्फ और सिर्फ रूट्स थी जड़े थी टेस्टी राइस राइस थे वो कहाँ थे अब ऊपर तो टेस्टी राइस कहां पर थे Above द ग्राउंड लेट मी शो यू द राइस प्लांट अभी मैं आपको राइस प्लांट दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ उसमें से फॉक्स को क्या मिला और क्रोकोडाइल को क्या मिला सो दिस इज अ राइस प्लांट तो जब उन्होंने प्लांट को पुल आउट किया राइस के प्लांट को जब उन्होंने पुल आउट किया तो क्रोकोडाइल ने क्या देखा कि जमीन के नीचे सिर्फ क्या थी रूट्स थी और जो टेस्टी राइस सीड्स थे वो कहाँ थे ग्राउंड के अब ग्राउंड के ऊपर तो क्रोकोडाइल को क्या मिला क्रोकोडाइल को सिर्फ रूट्स मिली एंड जो ऊपर वाले टेस्टी राइस राइस सीड्स थे वो किसे मिले फॉक्स को मिले द कनिंग फॉक्स लाफ्ट एंड एट द राइस द कनिंग फॉक्स कनिंग मीन्स चालाक क्लेवर क्लेवर और कनिंग दोनों का ही मीनिंग चालाक होता है तो वो जो चालाक लोमड़ी थी वो हंसने लगी लाफ्ट एंड एट द राइस एट मीन्स खा लेना और उसने सारे राइस जो थे वो खा लिए नेक्स्ट डे डिसाइडेड टू ग्रो पोटैटोज अब उन्होंने क्या सोचा कि अब हम क्या उगाएंगे पोटैटोज उगाएंगे पोटैटोज मीन्स आलू अब हम आलू की खेती करेंगे वेन इट वॉज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप हार्वेस्ट मीन्स कटाई जब फसल की कटाई होती है उसे कहते हैं हार्वेस्ट तो जब उन्होंने क्रॉप्स को क्रॉप्स मीन्स फसल जब उन्होंने फसल काटी मतलब कि जब उन्होंने पटेटोस को निकाला तो द क्रोकोडाइल द टॉप पार्ट अब क्रोकोडाइल ने क्या कहा कि मैं टॉप पार्ट लूंगा मतलब जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है वो मैं लूंगा दे डक प्लांट डग मीन्स निकालना खोद कर निकालना किसी चीज को तो उन्होंने उन प्लांट्स को निकाला एंड द क्रोकोडाइल वॉज अमेज टू सी ऑल द पोटैटोज लेल बहुत ही ज्यादा अमेजड हो गया अमेज्ड मीन सरप्राइज और उसने क्या देखा कि सारे पोटैटोज ले बिनीथ द ग्राउंड मतलब की सारे पोटैटोज ग्राउंड के नीचे हैं द फॉक्स लाव्ड आउट लाउड एंड एट द पोटैटोज बट द क्रोकोडाइल वॉज वेरी क्रॉस अब uh, फॉक्स दोबारा से हंसने लगा जोर जोर से और उसने सारे पोटैटोस खा क्रोकोडाइल था वो बहुत ही पोटेटोज होते हैं वो अंडर द ग्राउंड होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं अब क्रोकोडाइल ने क्या देखा कि जितने भी पोटैटोज थे वो नीचे थे और ऊपर वाले पार्ट में एक भी पोटैटो नहीं था तो दोबारा से सारे पोटैटोज़ जो थे फॉक्स के पास चले गए और क्रोकोडाइल को सिर्फ ये लीव्स मिली दे ग्रू कोकोनट्स फिर उन्होंने क्या सोचा कि अब हम कोकोनट्स उगाएंगे कोकोनट मींस नारियल द फॉक्स सेड पार्ट यू वुड लाइक द आउटसाइड और इन साइड अब फॉक्स उससे पूछता है कि तुम कौन सा पार्ट लेना चाहोगे आउटसाइड मतलब बाहर वाला Inside मतलब अंदर वाला द क्रोकोडाइल स्नैप्ड अब क्रोकोडाइल ने एकदम से जवाब दिया एकदम से गुस्से में उसने जवाब दिया इट विल ऑन द इनसाइड उसने क्या कहा कि इसके अंदर नास्टी पिप्स होंगे नास्टी मीन्स अनप्लेजेंट जो चीज हमें पसंद नहीं आती जो और पिप्स मीन्स सीड्स तो क्रोकोडाइल ने कहा कि इसके अंदर जरूर बेकार से सीड्स होंगे I will eat the outside instead. उसने क्या कहा कि मैं outside, बाहर वाला खाऊंगा। the cool, जब उन्होंने नारियल को काटा तो क्रोकोडाइल ने क्या देखा कि उसके अंदर कूल ठंडा ठंडा मिल्की वाटर था और फ्लैश था फ्लैश जो उसमें मलाई होती है ना नारियल में खाने वाली उसे फ्लैश कहा जाता है मी शो यू कोकोनट कोकोनट को काटा तो क्रोकोडाइल ने क्या देखा कि उसके बाहर सिर्फ ये ऐसे ब्राउन ब्राउन हेयर टाइप है लेकिन जो मेन चीज है जो ठंडा ठंडा पानी और मिल्की वाटर जो है वो अंदर है और वहीं पर सॉफ्ट फ्लैश है खाने के लिए व्हाइट फ्लैश है खाने के लिए ही was वेरी एंग्री अब फिर जो क्रोकोडाइल था वो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया द फॉक्स लाफ्ट एंड एट द कोकोनट अगेन जो फॉक्स था वो जोर जोर से हंसने लगा और एट द कोकोनट सारे कोकोनट उसने खा लिए एट लास्ट द फॉक्स डिसाइडेड दे शुड ग्रो शुगर केन लास्ट में उन्होंने क्या सोचा कि अब हम क्या उगाएंगे शुगर केन उगाएंगे केन मीन्स गन्ना गन्ना जिससे चीनी बनती है गुड़ बनता है ओके ही वॉज जस्ट अबाउट टू प्रोमिस क्रोकोडाइल बोथ द रूट एंड द लीव्स वेन द क्रोकोडाइल हैड गुड आइडिया तो अभी जो फॉक्स था वो क्रोकोडाइल्स को फिर से ट्रिक करने वाला था फिर से वो उसे बेवकूफ बनाने वाला था उसे लीव्स और रूट देकर अभी हम पहले शुगर केन प्लांट देखते हैं कैसा होता है न प्लांट तो फॉक्स क्या उसे ट्रिक करने वाला था उसे क्या वो उसे वो, ले 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 वो मैं ले लूँगा। लेकिन शुगर केन में मेन जो फ्रूट होता है वो ये स्टेम ही तो होती है जो रसा निकलता है शुगर केन में मीठा मीठा वो इस stem से ही तो निकलता है लेकिन तभी क्रोकोडाइल को एक आइडिया आया अब क्रोकोडाइल ने क्या कहा लेट्स बोथ शेयर एवरीथिंग सेड द क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल ने कहा कि हम सब कुछ शेयर करेंगे जो भी कुछ शुगर केन में होगा वो सब चीज हम शेयर करेंगे चाहे वो लीव्स हो स्टेम हो रूट हो सब कुछ हम शेयर करेंगे फ्रॉम दैट डे ऑन द फॉक्स एंड क्रोकोडाइल हैव ऑलवेज हैड plenty ऑफ फूड टू ईट एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर उस दिन से जो क्रोकोडाइल और फॉक्स थे दोनों के पास प्लेंटी ऑफ फूड था प्लेंटी मीन्स बहुत सारा अब उनके पास बहुत सारा फूड होता था खाने के लिए और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा आपने वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखे है ना उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं आपने देखे कौन सा पार्ट फॉक्स को मिला कौन सा पार्ट क्रोकोडाइल को मिला तो ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज करनी है याद करना है इस सबको इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है कोई भी चीज आपको नहीं समझ आई है कोई वर्ड ऐसा जिसका आपको मीनिंग समझ नहीं आया है तो उसे नोट डाउन कर लीजिए जब डाउट सेशन क्लास होगी उसमें मैं आपके वो डाउट्स जो हैं जो भी परेशानी है वो क्लियर करूंगी जो भी आपको वर्ड के मीनिंग समझ नहीं आए हैं वो मैं आपको समझा दूंगी ओके okay, स्टूडेंट्स अब इसके बाद मैं आपके साथ एक वर्कशीट भी सेंड करूंगी वो वर्कशीट आपको इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में सॉल्व करनी है ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू